हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर। आप इनमें कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे एडमिशन पा सकते हैं, इन कोर्सेज का क्या सिलेबस है, क्या कोई ऑनलाइन क्लासेस हैं या फिर स्टडी सेंटर पर कुछ क्लासेज दी जाती हैं, इस सब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप कैसे उनकी वेबसाइट को ट्रेवर्स करके अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल कैसे पा सकते हैं, अगर आपको प्रिंटेबल फॉर्म में नहीं मिला है तो ऐसे कौन कौन से लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप स्टडी मटेरियल ऑनलाइन ले सकते हैं। इस वीडियो में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के लिंक भी दिए गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एड्रेसेस स्टडी सेंटर की, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन स्कूल की एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जिसके थ्रू आप अपनी एडमिशन की क्वेरी और एग्जामिनेशन की क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ आपको डिस्टेंस एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, जो कि द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। 1962 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम सिर्फ 900 स्टूडेंट्स ने ही एनरोल किया था, लेकिन आज की डेट में हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसमें एनरोल करते हैं वेरियस डिसिप्लिन को लेके। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एग्ज़ाम से लेकर, सिलेबस से लेकर सभी स्टडी मटेरियल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही करता है, यानी द एग्जामिनेशन इज़ ऑल्सो कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सब एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम की हों, स्टडी से रिलेटेड हों या फिर कुछ और करिकुलम एक्टिविटीज़ हों, वो सब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही देखता है। इसी वजह से देर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन इन द कोर्स करिकुलम फॉलोड बाय द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इट मीन्स कि जो कोर्सेज आपको डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं, उसका सिलेबस रेगुलर कोर्सेज से डिफरेंट नहीं है। द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपको ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट पे बहुत सारे डिग्री कोर्सेज इन वेरियस स्ट्रीम्स लाइक आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। इसमें आपको PCP भी दी जाती है, दैट मीन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, यानी कि स्टडी सेंटर पर फैकल्टी मेम्बर्स के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट एकेडमिक कुछ भी क्वेरी सॉल्व करवाने के लिए। और इस वीडियो में साउथ स्टडी सेंटर एट साउथ मोतीबाग जैसे स्टडी सेंटर की डिटेल दी गई है। आइए अब बात करते हैं कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट पर कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। टोटल 13 डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें आप BA, MA एंड BCom के कोर्सेज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के नेम्स हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। उर्दू और तमिल में आप BA का प्रोग्राम कर सकते हैं। संस्कृत में MA और BA दोनों कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पंजाबी में BA कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में BA कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में आप BA का प्रोग्राम कर सकते हैं। उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में BA, BCom एंड MCom ये सब कर सकते हैं। फैकल्टी मेम्बर्स के लिए इस वेब पेज पर उनका सारे प्रोफाइल की डेटा दिया हुआ है। हाईली कॉम्पिटेंट फैकल्टी मेम्बर्स हैं जिनके प्रोफिशिएंसी एंड उनके प्रोफाइल की डिटेल आप यहां से देख सकते हैं इस वेब पेज पे ब्राउज करके। उनकी डिग्री एंड ईयर ऑफ पासिंग यहां ये सब मेंशन है। उसी तरह से इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में आप सब BA, MA के कोर्सेज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आप एडमिशन के लिए आपको क्या करना है। एडमिशन के लिए आपको इनके वेब पेज पे यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन की डिमांड की जाएगी लाइक SOL रोल नंबर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं या एनरोल्ड हैं। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप अपनी क्वेरी यहाँ सबमिट करा सकते हैं। इसके एडमिशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो आप यहाँ लिखेंगे नो, और अगर आपकी क्वेरी एडमिशन से रिलेटेड है तो यहाँ एडमिशन को आप क्लिक करेंगे। BA के प्रोग्राम के लिए एनरोल कर रहे हैं, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करने के बाद, टाइपिंग लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद या हिंदी, यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। और विद इन डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल आपको उनके वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये था कि आपको एडमिशन और एग्जामिनेशन और अदर क्वेरी के लिए कैसे उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे क्वेरी कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें, फैसिलिटीज़ दी हैं या क्या सिलेबस है। आइए बात करते हैं कि पहले सिलेबस क्या है। CBCS पे क्लिक करने पे आपको सिलेबस मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। BA का प्रोग्राम है, BCom है, BCom ऑनर्स है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, BA ऑनर्स इन इंग्लिश है। इसमें सेमेस्टर वाइज आपको सिलेबस दिया गया है। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको BA के प्रोग्राम में
या जिस कोर्स में आपने एनरोल किया है उसके लिए क्या सिलेबस आपको इस कोर्स में करवाने वाले हैं। उसी तरीके से बीकॉम में सेमेस्टर वन, उसी तरीके से बीकॉम ऑनर्स में सभी सिलेबस को मेंशन किया गया है। उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल फर्स्ट टैब में दी गई है कि ऑनलाइन क्लासेस कौन से सब्जेक्ट के लेकर है, कौन से ईयर है या कौन से सेमेस्टर है, किस कोर्स की है, टाइमिंग एंड फैकल्टी मेंबर के नेम इस वेब पेज पे आपको मिल जाएंगे। कुछ ऑनलाइन क्लासेस के लिंक्स हैं, आइए देखते हैं क्या है। कुछ प्री बिल्ट वीडियो लेक्चर्स आपको इस वेब पेज पर मिलेंगे जो कि आपकी स्टडी और कोर्स से रिलेटेड हैं। आप कंसर्न कोर्स से रिलेटेड इस वेब पेज पे वीडियो पा सकते हैं और इसको क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स मार्केट फेलियर एंड इंटरनेशनल ट्रेड, आप अगर इस वीडियो को लिंक को क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। इसमें यूट्यूब का एक वीडियो है बीए प्रोग्राम सेमेस्टर टू को लेकर। इसमें देखिए आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको स्टडी करवाई जा रही है, तो ये लिंक बहुत हेल्पफुल है। आप इस पर क्लिक करके आप ये सारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं जो कि आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ये बीए के प्रोग्राम के वीडियो लेक्चर्स थे। आप अगर बीकॉम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सेकंड सेमेस्टर के वीडियो लेक्चर्स सारे अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक बिजनेस लॉ यूनिट 5 बाइलिंगुअल। मीन्स आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनके खुद के पोर्टल पे ये सभी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये था अंडर ग्रेजुएट की वीडियो क्लासेस। अब हैं पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी मटेरियल्स। एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम क्वेश्चन पेपर्स, आप ये सब इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने एमए हिंदी में इनरोल किया है तो सेमेस्टर वाइज 1, 2, 3, 4 एंड सिलेबस ओल्ड एनुअल मोड इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एमए हिंदी सेमेस्टर वन में इनरोल किया है और इसका पेपर देखना चाहते हैं या आधार सामग्री इसका कंटेंट होगा ये सब्जेक्ट, तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका स्टडी मटेरियल पा सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको प्रिंटेबल स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए अवेलेबल नहीं है एट द टाइम, तो आप यहां से डाउनलोड करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी तरह से सेमेस्टर टू में भी क्लिक करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल हो जाएंगे सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर फोर। इन द सेम वे एमए संस्कृत में आप इसका स्टडी मटेरियल यहां से ले सकते हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस का, एमकॉम का। अंडर ग्रेजुएट स्टडी मटेरियल के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। जिस तरह से आपको पोस्ट ग्रेजुएट का स्टडी मटेरियल के लिए पीडीएफ फॉर्मेट्स दिए गए थे उसी तरीके से आपको इसके लिए भी दिए गए हैं। बीए प्रोग्राम के लिए पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में सेमेस्टर वन की हिंदी की पीडीएफ दी हुई है, इसको क्लिक करने पे ये डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो, इन्होंने बहुत फैसिलिटीज़ दे रखी हैं अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक और बहुत अच्छी बात, इन्होंने खुद का एक लाइब्रेरी पोर्टल है, ई पुस्तक द्वार है। यहाँ पे आपके कोर्स से रिलेटेड सारी कंसर्न बुक्स ई बुक्स आपको अवेलेबल होंगी। आपको आपके फिंगर टिप्स पे आप कभी भी कोई भी बुक अगर पढ़ना चाहें तो आप इस वेब पोर्टल पे जाकर आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बीए के प्रोग्राम पार्ट वन सेमेस्टर वन में एनरोल किया है तो इसको यहाँ पे क्लिक करने पे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। लाइक इकोनॉमिक्स का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी ई बुक्स आ जाएंगी। इंग्लिश में इसके 7 बुक्स अवेलेबल हैं, हिंदी में 11 हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 सेमेस्टर 1 की बुक है ये, इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है जो चैप्टर्स हैं वो आप देख सकते हैं। ये देखिए कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप ये ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी स्टडी में डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। आइए अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लिंक्स के बारे में या जो एड्रेसेस जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। एडमिशन के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं,
sol.du.ac.in/info/inquiry. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है sol.du.ac.in/home. कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसपे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी एडमिशन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं. हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं. नॉर्थ का एड्रेस दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का. साउथ कैंपस के एड्रेस दिए गए हैं और फ़ोन नंबर दिया गया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना प्लेसमेंट सेल भी है जिसपे वो जॉब भी पोस्ट करते हैं. तो यहाँ अगर आप प्लेसमेंट सेल पर जाएंगे तो आपको जॉब ओपनिंग या जो भी उनके नई इन्फॉर्मेशन है आप वो अपडेट रह सकते हैं इस पर क्लिक करने पे. तो ये था हमारा आज का वीडियो दिल्ली स्कूल ऑफ लर्निंग को लेकर. इस वीडियो में हमने आपको कोर्सेज बताए हैं, कैसे एडमिशन कर सकते हैं, कैसे क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, स्टडी सेंटर्स के साउथ एंड नॉर्थ के एड्रेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट एंड वेबसाइट के लिंक्स एंड वीडियो लेक्चर्स के लिंक बताए हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.